तो दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 1 रुपए में अपने घर में एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करें। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं एलईडी लाइट को रिपेयर कर लेंगे और अपने पैसे भी बचा लेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे एलईडी लाइट की वैरायटी हैं अलग अलग वाट के, तो आज हम रिपेयर करेंगे 9 एंड 7 वाट के एलईडी बल्ब को। किस तरह रिपेयर किया जाता है आगे हम आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग बैंग नाउ, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी तक ने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अपना एलईडी बल्ब को, चलिए इसे चेक करके आपको दिखा देते हैं कि आप लोग सोचेंगे कि भाई झूठ बोल रहे हैं ऐसे करके। यहाँ पास मेरा 2 एलईडी बल्ब है, पहले हम लोग डेड कंडीशन वाले को चेक कर लेते हैं एलईडी बल्ब को। तो यहाँ पास हमारा जो एलईडी बल्ब है ग्लो नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पास सही कंडीशन में हमारे एलईडी बल्ब जो यहाँ ग्लो कर पा रहा है। तो आप लोग देख ही लिए होंगे जो हमारा डेड कंडीशन में है वो काम नहीं कर रहा है और ये सही कंडीशन में है। तो यहाँ पास 2 एलईडी बल्ब हैं और इसे देखते हैं किस तरह रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले इसको रिपेयर करने से पहले हमें इसे खोलना ज़रूरी है। खोलना कैसे है, पहला तरीका है कि अपने हाथ से इसे प्रेस करके खोल सकते हैं इस तरह। तो अगर आपके हाथ से प्रेस करके नहीं खुल रहा है तो इसका दूसरा तरीका है, सीधा से एक चाकू ले लेना है जो इस तरह रहता है, या फिर आप आरी ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे अपने हाथ कटने का डर रहता है इसमें, तो थोड़ा आराम से। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही थोड़ा सा कर लेना है। देखिए मैं पहले से इसे करके निकाल के रख चुका ताकि मेरे को बाद में दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो उसके बाद पाना या फिर कुछ भी इसे खोल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो यहाँ पर चलिए हमारा ये इसका खुल गया। तो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है सामने में DOB, तो यहाँ पर सही कंडीशन में दिख रहा है। पहले हम लोग चेक करना ज़रूरी है, इसे घर में बना रहे हैं तो हम ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करेंगे। तो भाई यहाँ पर हमको सीधा देख लेना है कि इसमें कुछ अदर फॉल्ट थोड़ी ना है। यहाँ पर मेरे को लाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अगर लाइट में प्रॉब्लम रहता तो आगे हमको दिख जाता। तो यहाँ पर हमारा एलईडी लाइट ग्लो नहीं हो पा रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हमको एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं चाहता भाई यहाँ पर मल्टीमीटर का भी उपयोग कर सकता तो, लेकिन हम लोग तो घर में बना रहे हैं, घर में हमारा मल्टीमीटर किसी के यहाँ रहता है किसी के यहाँ नहीं रहता, तो सिंपल से हम लोग मल्टीमीटर का उपयोग नहीं करेंगे। हम इसे घर में बना रहे हैं तो घर जैसे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे। तो आपको ले लेना है छोटा सा वायर का टुकड़ा कॉपर का, आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं। इस तरह मैंने बना लिया है कॉपर का वायर का टुकड़ा। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्लस माइनस का टर्मिनल है सामने में, उसे हम टच करके स्पार्किंग चेक करेंगे। चलिए स्पार्क चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पास हमारा स्पार्क अच्छे से हो रहा है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पास अच्छे से स्पार्क हो रहा है, अच्छी कंडीशन में, यानी कि हमारा जो इसका सर्किट है बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, तो मेन प्रॉब्लम है इसके DOV में, यानी कि इसके LED में। तो सबसे पहले हम इसके प्लस एंड माइनस टर्मिनल में शॉर्ट करके देखेंगे इसमें से एक LED ख़राब होगी या फिर 2 LED ख़राब होगी, उसे किस तरह चेक किया जाता है। अब देख सकते हैं प्लस एंड माइनस टर्मिनल में इसे लगा के देखना है। तो यहाँ पर फॉल्ट का पता कल चल चुका है, तो हमारी ये LED लाइट है वो ख़राब हो चुकी है। चाहें तो आप इसे नया भी लगा सकते हैं, 1 रुपये मिल जाएगी तो हम फ्री में बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं, निकालने के बाद इसे हमें स्पार्क करके रख लेना है, क्योंकि इसमें चार्ज पहले से रहता है तो हमें चार्जर को डीएक्टिवेट कर देना है। तो हमारी ये वाली LED लाइट ख़राब है, तो सबसे पहले हमें इसे निकालना है। निकालना कैसे है, आपको चाकू या फिर कोई भी टेस्टर ले लेना है, उसके बाद प्रेस करना है, सीधा प्रेस नहीं करना है। आपको ध्यान रहे कि आपके बाकी LED को नुकसान ना पहुँचे, अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको इसको निकाल लेना है। ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा कुछ लगा नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका जो लगा रहता है LED वो निकल चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए रंगा और सोल्डर पेस्ट, आपको थोड़ी मात्रा में इसके ऊपर लगा लेना है ताकि हमारा सोल्डर इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगे। चलिए तो हम इसे लगा लेते हैं।
उसके बाद हम सोल्डर करते हैं। आपको ध्यान रहना कि यहाँ पर जो बड़े वाले आपको दिख रहे हैं वो प्लस माइनस है, और उससे छोटे वाले दिख रहे हैं टर्मिनल वो माइनस सॉरी प्लस है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सोल्डर है अच्छी तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एलईडी लाइट ग्लो हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और उजाला भी बहुत अच्छा है। आपको कैमरे में ठीक से दिख नहीं रहे होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, एक बनता है लाइक यार प्लीज़। तो चलिए तो हम इसे कैप को लगा देते हैं और देखते हैं जल गया हमारा एलईडी लाइट। तो यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों।